दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सिर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी गर्म लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। स्वतंत्रता दिवस, ये दिन हमारी स्वतंत्रता, हमारी मातृभूमि के लिए हमारे संघर्ष और हमारे बलिदानों का प्रतीक है। आज के इस भव्य अवसर पर मैं आपके सामने कुछ विचार साझा करना चाहता हूँ जो हमें प्रेरित कर सकते हैं और हमें अपने कर्तव्यों की ओर अग्रसर कर सकते हैं। आज का दिन हमें सभी को ये याद दिलाता है कि अगर हम इस देश के नागरिक हैं तो हमारी भी कुछ ड्यूटीज है, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए, जो हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। ये 15 अगस्त, ये इंडिपेंडेंस डे हर वर्ष आता है, जिसको आज भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हमें आज ये याद रखने की जरूरत है कि ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली है। इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमारे देश के बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया है। महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, ये सभी उन कई नामों में से कुछ नाम है जिन्हें हम जानते हैं, उनकी कुर्बानियों को हम सराहते हैं। लेकिन इनके अलावा कई हजारों लाखों और भी नाम है जो हमें नहीं पता, लेकिन जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी है। इन सभी से प्रेरणा लेकर आज हमें ये सीखने की जरूरत है कि हौसले बुलंद कर और रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद ही बन जाएगा। कुछ नशा तिरंगे के मान का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है। इस तिरंगे में सबसे ऊपर दिखने वाला केसरिया रंग देश की ताकत और साहस का प्रतीक है। बीच में सफेद रंग शांति, सद्भावना और सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। सबसे नीचे हरा रंग देश के विकास और समृद्धि का प्रतीक है। झंडे के बीच में बना अशोक चक्र हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। भारत की संस्कृति को उसके झंडे में देखा जा सकता है। आज हम उन सभी महान फ्रीडम फाइटर्स की वजह से खुली हवा में तो सांस ले रहे हैं, लेकिन कई मामलों में हम अब भी आजाद होकर के आजाद नहीं है। जब तक हमारे अंदर नफरत, एक दूसरे की बुराई करने की भावनाएं खत्म नहीं हो जाती, तब तक ये कहना गलत होगा कि हम पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हैं। हमारे पुरखों ने आजादी के बाद एक संविधान बनाया था जिसमें स्वतंत्रता, समानता और न्याय की बातें की थी। आज उसी पर हमें फिर से विचार करने की जरूरत है। हमारी स्वतंत्रता के मायने तभी सफल होंगे जब एक बच्चा भूख से तड़पता पेट भरने नहीं बल्कि पढ़ने के लिए विद्यालय जाएगा, जब एक बच्चा तिरंगा लेकर सड़क पर बेचने नहीं बल्कि भारत का नाम कमाने जाएगा। हमारी बेटियां बिना डर के जिएंगी, बूढ़े माँ बाप को हर आंगन में जगह मिलेगी, नौजवानों को नौकरियां, मजदूरों को दाम, गरीबों को काम मिलेगा, खाने को भरपूर अनाज मिलेगा और राह चलता आदमी स्वच्छता में अपना हाथ बटाएगा। इन सब के लिए हमें सभी को मिलकर के बड़ी बड़ी बातें नहीं बल्कि छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी। अगर सूरज की तरह चमकना है ना, तो रोज सूरज की तरह उगना पड़ेगा और रोज सूरज की तरह लगातार जलना पड़ेगा। हम कभी नहीं भूल सकते भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद को, खुदीराम बोस को, जिन्होंने बहुत कम उम्र में आजादी की लड़ाई में अपनी जाने दी, रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, जिनको अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए याद किया जाता है। महिला स्वतंत्रता सेनानियों ने कई रूढ़िवादी रीति रिवाजों की बेड़ियां तोड़ी। आज भी जब रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हैं तब जुबान से यही निकलता है कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, क्योंकि वो अपने छोटे बेटे को पीठ पर बांध करके मैदान में उतरी थी। ये उन्होंने कभी नहीं सोचा कि वो एक माँ है और एक माँ होने के नाते वो लड़ नहीं सकती अपने बच्चे के साथ। आज की महिलाओं को उनसे ये सीखना चाहिए कि वो किसी से भी कमजोर नहीं है। अगर वो ठान ले, अगर वो करना चाहे, तो उनका महिला होना उनके टारगेट के बीच कभी नहीं आएगा। वो जो चाहे कर सकती है, जो चाहे बन सकती है। शहीद भगत सिंह कहते हैं कि बुराई इसलिए नहीं बढ़ रही है कि बुरे लोग बढ़ गए हैं, बल्कि बुराई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बुराई सहन करने वाले लोग बढ़ गए हैं। तो ना ही हमें कुछ बुरा करना चाहिए और ना ही किसी के साथ बुरा होता हुआ हमें देखना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि यार इससे तो मेरे को क्या मतलब है, मैं क्यों इसकी हेल्प करूं। अगर कोई मुसीबत में है तो आप उसकी मदद कर सकते हो और आपको करनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में जले ये आग या तेरे सीने में, हो कहीं भी लेकिन ये आग जलती रहनी चाहिए। गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, चमक रहा है आसमान में देश का सितारा। आजादी के दिन आओ मिलकर ये करे वादा कि बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा। हमारे देश की आजादी में ना जाने कितने ही लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन अब हमारे प्राणों की नहीं, हमसे ग्रोथ की उम्मीद है देश को, कि हम हमारे देश के लिए
वो सब करें जिससे वो दुनिया का नंबर वन देश बन सके। नवयुवकों के दिल में ऊर्जा का संचार करने वाले क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद का नारा था कि दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद है और हमेशा आजाद ही रहेंगे। और इन्होंने मात्र 25 साल की उम्र में देश की आजादी के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के कई वर्षों पहले महान स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा देश के भाग्य को बदलने की कोशिश हुई थी और अब वक्त आ गया है देश को बदलने का, देश के लिए कुछ नया करने का, कुछ बड़ा करने का। क्योंकि हम डरने वाले नहीं है और ना ही है हम रुकने वाले। किसी ने सही कहा है कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर हमारे फ्रीडम फाइटर्स तब डर जाते ना, तो आज हमें स्वतंत्र भारत का सपना ही देख रहे होते, अंग्रेजों की गुलामी ही कर रहे होते। इसलिए हमें भी अपने नेशन के लिए कुछ भी अच्छा करने से चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारी सबसे पहली ड्यूटी है। स्वतंत्र होने का साहस करो, जहाँ तक तुम्हारे विचार जाते हैं वहाँ तक जाने का साहस करो। जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी शानदार जीत होगी। एक दिन आप खुद से जरूर कहोगे कि मुश्किल था पर मैंने कर दिखाया। 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त की। वो स्वतंत्रता केवल एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि ये हमारी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी थी और आज भी है। स्वतंत्रता दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हम केवल एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि हम एक ऐसे महान जन समुदाय का हिस्सा है जो अपनी तरह का सबसे बड़ा और जीवंत समुदाय है। ये विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिकों का समुदाय है। स्वतंत्रता का मतलब है कि हम अपनी पूरी क्षमता को पहचाने और इसका उपयोग देश की सेवा में करें। ये एक अवसर है आत्म प्रेरणा का, निष्ठा का और योगदान का। हमारी आज की स्थिति के पीछे कई वर्षों की मेहनत, बलिदान और संघर्ष की कहानी है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक ऐसा सपना देखा था जहां समानता, न्याय और समृद्धि हो। आज हमें उस सपने को साकार करने की जिम्मेदारी के साथ जिए। हमें याद रखना चाहिए कि हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, उसे समान अवसर मिलना चाहिए। हमें अपनी सोच और विजन को ब्रॉड करना होगा और समाज की असमानताओं को दूर करना होगा। आज के भारत में कई नई चुनौतियां हैं जो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इन समस्याओं का समाधान केवल नीतियों और योजनाओं से नहीं होगा, बल्कि इसमें हमारे पर्सनल एफर्ट्स का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और देश की प्रगति में सक्रिय योगदान देना होगा। हमें अपनी युवा पीढ़ी को प्रेरित करना होगा कि वे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम करें। शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हम एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ सके। भारत की प्रगति को देशवासियों से, विशेषकर युवा पीढ़ी के सपनों से शक्ति मिलती है। विकास की अनंत संभावनाएं देशवासियों की प्रतीक्षा कर रही है। स्टार्टअप से लेकर के खेलकूद तक हमारे युवाओं ने उत्कृष्टता के नए आसमान में उड़ाने भरी है। स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं है, बल्कि ये कर्तव्यों का भी संग्रह है। प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्य को समझना और निभाना चाहिए। ये कर्तव्य केवल वोटिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज की सेवा, कानून का पालन, नैतिकता की स्थापना तक फैला हुआ है। एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए हमें अपने छोटे छोटे कार्यों को ईमानदारी और निष्ठा से करना होगा। हमारी विविधता में एकता ही हमारी शक्ति है। एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना हम सभी की जिम्मेदारी है। एकजुट होकर हम किसी भी समस्या का समाधान खोज सकते हैं और एक मजबूत और एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। हमारे देश ने नए संकल्पों के साथ अमृत काल में प्रवेश किया है और हम भारत को वर्ष 2047 तक एक परिपूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम सभी अपने संवैधानिक मूल कर्तव्य को निभाने का संकल्प लें और व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ने का सतत प्रयास करें, ताकि हमारा देश निरंतर उन्नति करते हुए कर्मठता और उपलब्धियों की ऊंचाइयां हासिल कर सके। और फिर एक दिन उस दिन को सेलिब्रेट करें जब हम सब ने मिल करके हमारे महान भारत देश को दुनिया का नंबर वन देश बना दिया हो। मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मेहनत के दम पर देश में अपना ही नहीं, बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करके दिखाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जीत फिक्स।